ठाकुरपुरा के अधीक्षक ब्रजेश जाटव ने छात्रों से कपड़े धुलवाए, मना करने पर बाहर का दिखाया रास्ता। बड़ी खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के ठाकुरपुरा में स्थित बालक छात्रावास में छात्र से अधीक्षक द्वारा कपड़े धुलवाए जाने का मामला सामने आया है। वही नहीं, धोने पर भला बुरा कहकर छात्रावास ने बाहर निकालने का मामला भी सामने आया है। आज कलेक्टर को संजय जाटव पुत्र धनपाल जाटव ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि वह 12वीं का छात्र होकर अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास में निवास करता है। वहीं 6 जनवरी 2023 की सुबह जब अधीक्षक ब्रजेश जाटव द्वारा कपड़े धुलवाने हेतु कहा गया तो उसने विरोध करते हुए मना कर दिया। वहीं उसे भला बुरा कहकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर दूसरे दिन अधीक्षक ने उल्टा सीधा कहा और उसे छात्रावास से चोरी करते हो ऐसा कहा, जिसके बाद उसे छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया। आज कलेक्टर से शिकायत करते हुए छात्रा ने जाँच करा कर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? ठाकुरपुरा से। क्या शिकायत लेके आए हो? सर कपड़े धुलवाने बोले थे हमने, तो जो हमने कहा जा रहे हैं, हमने तो बात की करी तो कुछ चोर है, चोरी हुई तुम्हारे नाम ये क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कपड़े धोने के लिए हमने मना कर दिया। कब से परेशान कर रहे हैं? परेशान हमको तो बात है, ये भी बात याद है। अच्छा, तो उसके बाद सर आपने कुछ कहा? हमने कुछ भी नहीं कहा, बात की जैसी चली की बहुत एक लड़का ऐसी चोरी वगैरह कुछ भी नहीं, तो वैसे ही चोरी हो चुकी है, बोल रहे थे कि कुछ भी चोरी हो गया हमारे नाम चोरी होता है। कपड़े धुलने के लिए कौन बोलता है? नाम क्या है उनका? ब्रजेश जाटव। कौन है वो, मतलब कौन है वहाँ? अधीक्षक है। और तुमने फिर का जब उन्होंने कपड़े धुलने के लिए बोला था फिर तुमने क्या किया? निकल गया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं, सुबह क्या कहा? ऐसी बात ही चल रही थी, वो तुम्हारा पापा ने कभी आवाज शुगर देखा हमने तो नहीं दिया, तुमने धगा दिया। अब आप क्या चाहते हो? तो क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो?